हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को। और आप सब लोग कैसे हैं बताइएगा। मैं तो बहुत अच्छी हूँ और आज का अपना ब्लॉग लेके आ गई हूँ। तो आप लोग को मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हो तो प्लीज़ ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन रहता है उसको क्लिक कर लीजिएगा ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। तो वही आज मैं किचन टॉवल के साथ में अपना ब्लॉग इसके बाद स्टार्ट करूँगी। अभी मैं मेहंदी लगाऊँगी, तो यहाँ पर इनके पापा और हम दोनों बात कर रहे हैं बस। तो बस मैं मेहंदी लगा लेती हूँ और सबको लगाऊँगी, तो बने रहिएगा ब्लॉग में। यहाँ पर देखिए, ये एकदम काली मेहंदी हो चुकी है और जो कॉर्नर है वहाँ देख रहे हो आप, ये लोहे की कढ़ाई मैंने गलाई थी, ओवरनाइट गला के रखा था। तो इसका फुल वीडियो आप मेरे HDM फैशन एंड आर्ट बाई गायत्री पे देख सकते हो। वहाँ पर मैंने इसको अपलोड करा है किस तरह से आप इस तरह से मतलब डाई वाली मेहंदी घोल के और फिर लगा सकते हो, बाल एकदम काले और शाइनिंग वाले हो जाएंगे। तो बस यहाँ पर मैं इस तरह से लगा रही हूँ, हाथों में ग्लव्स पहन रखे हैं क्योंकि मैं जो है ना हाथों को गंदा नहीं करना चाहती हूँ और हाथों में मुझे लगानी है मेहंदी, तो इसीलिए मैंने ग्लव्स पहने हैं। तो आप देखते रहिए किस तरह से मैं छोटे छोटे मतलब बालों को ले रही हूँ थोड़े थोड़े और फिर इस तरह से लगाते जा रही, देखिए। और एकदम इस तरह से जूड़ा बना लूँगी तो ये ऊपर सिर पे बैठा रहेगा जूड़ा मेरा, इधर उधर कहीं नहीं जाएगा। तो और मैं काम कर सकती हूँ दूसरे। और हाँ, मुझे ब्लाउज भी सिलना है, मैंने जो कल कटिंग करी थी ब्लाउज की उसको भी मुझे सिलना है। तो बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे काम हैं अभी। और पर्दा लेकर आई हूँ तो पर्दे की भी मुझे अभी कटिंग करके उसको भी सिलना है। तो बस मैं मेहंदी लगा लेती हूँ फटाफट। तो यहाँ पर मेहंदी लग चुकी है तो मैं इसे पॉलीथीन से कवर कर लेती हूँ ताकि हवा ना लगे और मतलब ठंडी ना लगे और सर्दी ना हो। तो इसको पॉलीथीन से मैंने कवर कर लिया है और आप भी इस तरह से कर सकते हो। तो इसे लगने देते हैं 4-5 घंटे। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ नहा कर, और यहाँ पर मैंने जो सीरम मंगाया था ना वही लगाया है। तो गुड वाइब का जो सीरम है ना वो लगाया मैंने, जो है वो लगा है तो मतलब शाइनिंग कर रहा है, ग्लो करता है, तो अच्छा है। आप इसको मंगवा सकते हो, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहाँ से आप ले सकते हो इसको। और यहाँ पर मैं बालों को सुखा लेती हूँ। तो बस बालों को सुखा के उसके बाद मुझे करवे जो हैं उनको तैयार करना है क्योंकि कल करवा चौथ है। तो मैंने करवे जो है ना वो सिंपल वाले लिए हैं क्योंकि मुझे उनको घर में ही डेकोरेट करना था। और यहाँ पर मैं टॉवल देख रही थी, जो किचन टॉवल है ना वो देख रही थी, वो कहीं गिर गया था, ये देखिए ये रहा। तो किचन टॉवल को मैं टक कर लेती हूँ, उसके बाद मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ क्योंकि साड़ी पे हैंकी, किचन टॉवल या मोबाइल या कीचेन कुछ भी इस तरह से टक करके ही मैं वीडियो बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं ये टक कर लेती हूँ और किचन टॉवल, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर किचन में काम कर रहे हैं तो। यहाँ पर ये बच्चों ने सारे कुशन और लोड को कोने में रख रखा है तो उन्हीं को मैं रख रही हूँ व्यवस्थित। और यहाँ पर मैंने टेबल को ऊपर रख दिया था तो बस टेबल को भी मैं नीचे उतार के रख दूँगी। तो बस ये काम तो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, और अभी फेस्टिवल हो या ना हो ये काम तो मेरे लिए दिन भर के रहते हैं। अगर मैं सोऊँ नहीं ना 2-3 घंटे तो भी मेरे को काम रहता है। तो यहाँ पर बालों को सूख जाने देती हूँ, उसके बाद मैं बांधूँगी बालों को। और मेहंदी लगाने के बाद है ना जो भी हो जाते हैं ये तो देखा है। तो बस बालों को सूखने देते हैं और मैं करवे तैयार कर लेती हूँ। तो 3 करवे लिए थे मैंने, एक देरान जिठानी और एक मेरा, तो तीनों प्लेन लिए थे मैंने और इनको तीनों को डेकोरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं इस तरह से डेकोरेट कर रही हूँ। तो ये कल सुबह तक अपलोड हो पाएगा मेरा वीडियो, तो अगर हो सके तो देख लीजिएगा, आप भी कर लीजिएगा। इस तरह से सिंपल सा डेकोरेशन करूँगी क्योंकि इतनी जल्दबाजी में अच्छे से डेकोरेशन नहीं हो पाता है, और वो भी 3-3 करवे उसके साथ में। और फिर मुझे अपना घर देखना, सफाई करना, फिर बहुत सारे काम हैं, ब्लाउज भी सिल रही हूँ अभी मैं और बहुत सारे काम, इसलिए मैंने इसको सिंपल सा डेकोरेशन कर लिया। जो घर में था ना सामान उसी से मुझे इसको डेकोरेट करना पड़ा है।
तो यहाँ पर ये तीनों कड़वे तैयार हो गए हैं और मैं हाथ धो के आ गई हूँ। तो ये देखिए, हाथों को मैंने मतलब जो केरोसिन होता ना उससे धोया है, तारपिन की खुशबू जो बहुत तेज होती है वो उससे नहीं धोया मैंने। और यहाँ पर देखिए तीनों कड़वे तैयार हो चुके हैं। ये जो है ना, ये नहीं समझ में आ रहा मुझे इसका डिज़ाइन, लेकिन कर दिए हैं तैयार और अपल पूजा ये इनसे। तो यहाँ पर मैंने जो किचन टावल उससे है हाथ साफ कर लिए हैं और इसको मैंने फिर से टक कर लिया है और मैं आ गई हूँ किचन में। तो अभी मैंने देखो बालों को ना कॉम्ब भी नहीं करा है और बाल इतने सिल्की और मतलब अच्छे दिख रहे हैं। तो बस अभी गीले हैं बाल, तो बालों को सूखने देते हैं। इससे कुछ ग्लेचर व्लेचर लगा लूँगी क्योंकि बनाऊँगी खाना। तो डिनर का समय हो रहा है और अभी बज रहा है 8। तो मुझे वो कड़वे को सजाते हुए काफ़ी समय हो गया था और दिन में मैंने ब्लाउज भी सिला था, मेहंदी लग रही थी उस समय मैंने ब्लाउज भी एक ब्लाउज सिल दिया था और जो सेकेंड ब्लाउज है ना वो आधा सिला था मैंने, तो उसको कल सिलूँगी और कल नहीं परसों सिलूँगी अब उसको। और यहाँ पर मैंने बाल देखे इस तरह से ऊपर करके बांध लिए हैं। तो बस चाय वाय तो हमारी हो चुकी है, बस यहाँ पर मैंने सब्ज़ी ली थी दिन में, तो टमाटर का और ये क्या बोलते हैं एप्पल लिए थे और फ्रूट्स में मतलब एप्पल लिया था मैंने और वो सीताफल होता है ना सीताफल भी लिया था, पपीता लिया, एप्पल लिए और क्या जामफल। तो इन सभी फ्रूट्स को मैं धो लूँगी क्योंकि मैंने दिन में धोए नहीं, इनको इसके से लेके रख दिए थे और अब इनको धो लेती हूँ मैं और सिर पे रख लिया मैंने पल्लू। तो बस सबसे पहले मैं फ्रूट्स धोती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से बात करती हूँ। बस मैं फ्रूट्स मतलब धो के और डिनर तैयार करके अब आ गई हूँ मेहंदी लगाने। तो अभी बज रहा है 9:30 बज रहा है, हम लोगों ने खाना वाना सब खा लिया है। तो यहाँ पर दीदी आए तो सबसे पहले इनको मेहंदी लगाऊंगी, उसके बाद बच्चे फिर एक हाथ में बच्चे मुझे लगा देंगे, एक हाथ में दीदी को लगा देंगे और एक हाथ में मैं अपने हाथ से खुद लगा लूँगी। तो यहाँ पर मैं दीदी को बना देती हूँ सबसे पहले, और इनको भी आती है बनाना मेहंदी लेकिन आलस आता है इनको बनाने में। और यहाँ पर ये मेरे को जो है ना वो गुड़िया लगा रही है, मेरी जो जेठानी की लड़की है ना बड़ी वाली वो लगा रही है। तो और यहाँ पर ये देखिए ये मैंने लगा लिया, उसने लगाई थी ना वो मेहंदी सूख गई थी क्योंकि बहुत पतली पतली बनाई थी, मतलब बहुत बारीक डिज़ाइन बनाई थी तो सूख गई थी। तो यहाँ पर मैं अपने हाथों में खुद बनाने लगी हूँ। तो हम लोग मतलब सीधे हाथ से तो हम बना सकते हैं उल्टे हाथ में, लेकिन उल्टे हाथ से सीधे हाथ में बनाने में बहुत दिक्कत जाती है। तो यहाँ पर बस सिंपल सी डिज़ाइन बनाई है, देखिएगा कैसी लगी आपको ये डिज़ाइन, बताइएगा ज़रूर। तो ये पूरी डिज़ाइन मैंने ही बनाई है और अभी मैं बताती हूँ आपको पूरा हाथ किस तरह से मैंने भरा है, ये देखिए। तो बहुत कम मौका आता है, बहुत कम इच्छा होती है मेरी जब मैं अपना हाथ भरती हूँ। पहले जब मतलब पहले तो मैं काफ़ी अच्छे से हाथ भर लेती थी लेकिन अब आलस आते हैं। तो यहाँ देखिए मेहंदी लग चुकी है। तो आप लोग को कैसी लगी मेहंदी और करवा चौथ की तैयारी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। तो यहाँ पर मेरा हाथ भर चुका है, एक हाथ मैंने पूरा इतना भरा है। तो बस फिर मिलती हूँ मैं कल पूजा में और करवा चौथ की कैसी पूजा करते हैं। आज तो मैंने आपके साथ तैयारी शेयर करी करवा चौथ की तैयारी मैं किस तरह से कर रही हूँ। तो कल फिर मिलेंगे और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, घर में रहिए और ध्यान रखिए अपना सभी लोग।